मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, जिसकी वजह से मुझे आज भी अफसोस होता है। क्यों देखा मैंने ये, इससे सही उस टाइम सत्यमेव जयते के 2 एपिसोड देख लेता तो मैं अभी तीसरी बीवी ढूंढ रहा होता। जी हाँ, मैं AIB की बात कर रहा हूँ, जहाँ तन्मय भैया रोस्टिंग करते थे बिना गर्दन के। कौन कहता है कैरी पापा ने रोस्टिंग स्टार्ट करी इंडिया में, नहीं, ये है असली फाउंडर। इसको तन्मय मम्मी बोला करो, ब्रेस्ट फीड करवाएगा तुम्हें। तन्मय भट्ट, हाँ वही तन्मय भट्ट जो बच्चों को पॉकेट मनी देने की उम्र में उनसे पॉकेट मनी ले रहा है। तन्मय भट्ट के बबले ही बड़े नहीं, बस उसका दिमाग भी बड़ा है, जब भी 20-22 साल के लौंडो को अपना बाप बना के रखता है। जी हाँ, कोलैप्स। जिसने इसे फिर से डोमिनोज में ना काम करने का सहारा दिया, और ये पकड़ता भी उन्हें है जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं। जब कैरी ट्रेंड में था तब उसके डेली चोपे लगाता था, अब आखिरी वीडियोस के साथ बनाए 10 महीने हो गए, तन्मय अब समय, जाकिर और बाकियों के चोपे लगाता है। तन्मय ने अपनी 34 साल की जिंदगी में एक काम बस अच्छी की है, AIB से बाहर निकल के, क्योंकि तन्मय तेरे पे हंसाना कम हंसना ज्यादा आता है। तन्मय भाई थोड़ा उठ के चल फिर लेकर, किसी दिन स्ट्रीम करते करते फटवट गया, पड़ोसी भी बचाने नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा तू गिर गया, और गिरे हुए लोगों को कोई नहीं उठाता उसकी बीबी के अलावा। पर तेरी बीबी तो दूर बैठी है ना देर से, कैसे उठाएगी तुझे। और ये स्क्रिप्ट में नहीं था, अपने से बोला मैंने, बहुत फिक्र करता हूँ तेरी मैं। कल मेरे पिताजी ने मुझसे बोला, तू ही एक ऐसा लड़का है जो 2021 में भी बेरोजगार बैठा है। मैंने फिर उनको इन दोनों की वीडियो दिखाई, उसके बाद मेरे पिताजी ने अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी। इतने साल से बहुत चीजें करता आ रहा है तन्मय, बहुत स्ट्रगल किया अपनी 34 साल की जिंदगी में, बुंड बुंड भी मरवाई होगी। लोगों को मैंने हमेशा बढ़ता देखा है, लाइक सुसु भाई सीरियल से फिल्मों में गए, फिल्मों से छोड़ो, बट तन्मय के साथ उल्टा है। स्टार प्लस से अमेजोन प्राइम कॉमिकस्तान, जो कि AIB से भी ज्यादा कैंसर है। बड़े बड़े स्टार के चोपे लगाने से सीधा यूट्यूब स्टार के चोपे लगाना, काफी रेटिंग गिरी है तन्मय की। तन्मय भट्ट हिंदुस्तानी भाव का 2.0 वर्जन है, क्योंकि दोनों को पाकिस्तानियों पे ही वीडियो बनाना पसंद है, और दोनों जेल भी जा चुके हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को खुद नहीं लगता पाकिस्तान में कोई यूट्यूब चलाता है, इसलिए वो हम पे वीडियो बनाते हैं। कोई MI यूजर से 1-2 व्यूज आ ही जाएंगे। पाकिस्तानियों ने खुद पे जितनी वीडियो नहीं बनाई उससे ज्यादा हमारे तन्मय अंकल ने बना दी उनपे। तन्मय इतनी मत बना यार, इमरान खान रेवेन्यू मांगने लगेगा, वैसे ही उसकी आदत है भीख मांगने की। तन्मय भट्ट स्कूल की कैंटीन से छोले की सब्जी खरीद के बची घर ले जाके खाने वाला इंस्टाग्राम पे जोमेटो की एड कर रहा है। बर्तन, तेल, चम्मच, शायद तन्मय तेल भूज के चावल के साथ खाता है। जब भी तेरा कोलेस्ट्रॉल ओजोन प्लेट छू रहा है, जब ये वीडियो जोमेटो ने देखी होगी उसने भी कहा होगा। तन्मय भट्ट कॉमेडी करने के अलावा ब्लॉगर भी है, बड़े व्लॉग्स बनाता है 10-15 मिनट के, तो व्लॉग्स में रहता क्या है, कुछ नहीं, हर 2 सेकंड बात करने के बाद उसकी क्रेंजी हंसी। भाई जिनको सुबह देर तक सोने की आदत है वो बस इसकी हंसी को MP3 में कन्वर्ट करके अलार्म लगा दो, फिर तुम अलार्म बजने से पहले उठ जाओगे, और अलार्म बजने के बाद जो उठा वो दानिश भाई के साथ हेवन में उठेगा। अब फैमरा पे निवेदन लिखो, वो भी 10 लाइन। तन्मय भट्ट के पास कुत्ता भी है, जो हर एवरेज व्लॉगर के पास होता है, नई बात नहीं है। बट तन्मय को 40 की सुपर चैट इतनी पसंद है कि उसने अपने कुत्ते का नाम चैट रखा है। चैट, चैट। आजकल व्लॉगर्स कुत्ता क्यों पाल रहे हैं? व्यूज के लिए। फ्लाइंग बीस्ट दूसरा बच्चा क्यों कर रहा है? व्यूज के लिए। चूतिया है तू, इतना सच मत बोला कर। तन्मय भट्ट ने 2-3 बॉलीवुड फिल्म में भी काम किया है, लाइक रागनी MMS 2, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स में इमरान हाशमी से ज्यादा तन्मय की गर्दन गायब थी, शायद किसी ने नोटिस नहीं किया हो पर मैंने किया। रागनी MMS की IMDb पे रेटिंग है 4.9, जबकि उसमें कोई पॉपुलर सेलिब्रिटी भी नहीं था। रागनी MMS 2 की IMDb पे रेटिंग है 3.8, जबकि इसमें सन्नी लियोनी भी थी। मतलब तन्मय के 3.5 मिनट के कैमियो की वजह से पूरी फिल्म कैसे चुत सकती है देखो तुम। जब ही अब तन्मय को बॉलीवुड से कैमियो मिलना बंद हो गया, अब उसे बियर बाइसेप्स गरीब के चैनल पे कैमियो मिलता है। इससे बेस्ट CP में किसी अंकल के जूतों पे पॉलिश मारना है। तन्मय को ना बहुत पहले ही पता था कैरी फ्यूचर में उसके बहुत काम आने वाला, इसलिए उसने गांड चटाई 4 साल पहले ही शुरू कर दी थी। तन्मय भट्ट की लाइफ में स्नैपचैट और उसके फिल्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है टिकटॉकर्स के बाद। तन्मय उसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये पहला कॉमेडियन है जिसके पुतले जले हों, वो भी औरतों से। ठीक है ना, एक दोस्त फ्लाइट में जाने से बैन है, दूसरा लाइफ से ही बैन है। बहुत मस्ती कर ली, अब टाइम आ गया हमारे जाने का। एक और बात, अगर कमेंट में गाली वाली कुछ गंदा लिखो बीच में ये फंसा देना, वरना तुम डायरेक्ट कुछ लिखोगे यूट्यूब रिमूव कर देगा, ठीक है। मौज करो, करने दो। तन्मय भाई कोई हेट नहीं, ओनली लव। मुझे बचपन से पसंद है तन्मय, 2012 से देख रहा हूँ तन्मय को मैं, उसकी गर्दन 2019। मजाक भाई मजाक, बहुत कुछ सीखा है भाई इससे कैसे करियर की महत जोतते। अभी मेरे से कुछ अच्छा क्यों नहीं बोला जा रहा तन्मय के बारे में। तो ठीक है गाइस, बाय, टाटा, गुड नाइट।